ऑनलाइन जॉब वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस, ये क्या कह दिया मैंने? पहले ही ये वर्ड नहीं सुना, इस तरह का डिफरेंशिएट करते हुए किसी को नहीं देखा। तो आज देखिए और सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये क्लियर करना कि आप क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो। जिस तरीके से आपने फिज़िकल यानी कि अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जॉब्स एंड बिजनेसेस दोनों चीज़ें देखी हैं, दोनों के डिफरेंसेस प्रोस एंड कॉन्स सभी देखे हैं आपने, राइट? सेम वे में ऑनलाइन में भी चीज़ें हैं उसी तरीके से, जॉब्स एंड बिजनेसेस। सो सेम कॉन्सेप्ट जो जॉब का अप्लाई होता है फिज़िकल वर्ल्ड में, उसी तरीके से ऑनलाइन या इंटरनेट पे भी अप्लाई होता है, एंड सेम वे में बिजनेस के भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। अब सीधे मैं आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। जैसे कि जॉब तो आप फिज़िकली देख ही रहे हैं, किसी और के लिए काम करना इस जॉब, और इंटरनेट में वो हो जाता है फ्रीलांसिंग, फ्री लांसिंग, किसी और के लिए आप काम कर रहे होते हो, राइट? इसके बाद इस फ्रीलांसिंग में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कि जॉब्स में कोई भी आप जॉब कर सकते हो, किसी भी तरीके का जॉब, किसी के लिए कोई भी काम करते हो तो जॉब कहलाता है, ऑनलाइन में ये फ्रीलांसिंग हो जाती है, राइट? सो नाम बदल गए हैं बस। और अगर बिज़नेस की बात करें तो जिस तरीके से बिज़नेस आपके फिज़िकल वर्ल्ड में होता है, सेम वे में सेम स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड सब कुछ होता है आपके ऑनलाइन बिज़नेस में भी। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कोई कुछ ऐसा है जादू की छड़ी है कि बस घुमाया और बस पैसे की बरसात हो गई, जैसा कि आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा, जैसे हम साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के भी नाम से जानते हैं। लोग इसके चक्कर में महीनों और सालों बर्बाद करते हैं, कितना सारा पैसा बर्बाद करते हैं। सो यस, बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर अवेलेबल इन फिज़िकल वर्ल्ड एज वेल एज ऑनलाइन। तो आगे से जब भी आप इस चीज़ को करें, कुछ भी करें, तो उसको ध्यान से देखें कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, जॉब कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रहा हूँ। तो बिज़नेस के सारे कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग्स वो सारे आपको चाहिए होंगे, इवन कि आप डिजिटल बिज़नेस भी कर रहे हो तो। अच्छा, डिजिटल बिज़नेस का कोई एग्जांपल मैंने नहीं बताया। लेट्स से आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, कोई ई बुक डिज़ाइन किया, ओके, कोई डिज़ाइन नहीं किया, लिखा, और उसको अमेज़न किंडल जैसे स्टोर्स पर लिस्ट किया, उसके बाद आप उसको फिज़िकली अपने एड्स को खरीद के मतलब कि एड्स को ड्राइव कर रहे हो अपने ऑफ़र के ऊपर, ऑफ़र यानी कि बुक, या फिर कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया है ना, कोई सॉफ्टवेयर बनाया या बनवाया, राइट? अब किसी और के लिए बनाना, देखिए यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट हो रही हैं चीज़ें, आप यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो। जैसे आपने किसी और के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, आप कोडर हो, आप प्रोग्रामर हो, आपने किसी और के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, सो दिस इज़ जॉब फ्रीलांसिंग। और वही सॉफ्टवेयर आपने किसी और से बनाया या खुद से बना के और उसको आपने मार्केट में उतारा एज अ ऑफर, और उसको आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। सो ये हो गया बिजनेस। तो इसके बारे में और क्लैरिटी मैं देता रहूँगा आगे, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का टॉपिक मेरे मन में आया और मैंने कहा कि चलो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, और अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और ये डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो दैट्स इट इन दिस लेसन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे कमाल कमाल के वीडियोस जो है ना, ऑनेस्ट वाले, ऑनेस्टी इज़ आवर नॉट बेस्ट पॉलिसी, ओनली पॉलिसी आई कैन से। सो सब्सक्राइब करने के लिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली सब्सक्राइब करोगे और ट्यून्ड रहोगे और मेरे कंटेंट को कंज्यूम करते रहोगे, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग आप में से करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।